अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, खैर आफ़ियत से रखे। आज हम छोटी बच्ची का फ़्रॉक बनाएंगे। ये हमारे पास सूट में से बचे हुए पीस हैं, इसी में से हमने डिज़ाइनिंग बनानी है। ये ट्राउज़र के पीस हैं, रफ कपड़ा हमने कट कर लिया है। ये हमने नेफे के लिए मोड़ दिया है। यहाँ हमने आसन के लिए 9.5 इंच पर निशान लगाया है। हमने चौड़ा 5 इंच का रखना है तो उस पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ से हमने रफ कपड़े को कट कर देना है। यहाँ हमने आसन से लेके पांचे तक थोड़ा सा गोलाई में हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ पर हमारे पास ट्राउज़र लंबा 19 इंच का बनकर आ जाएगा। नीचे हमने कोना जो निकाला था उसकी हमने यहाँ पर छोटी सी ये कुंडे लगा देनी है। यहाँ पर ट्राउज़र की एक साइड यहाँ पर नहीं है, ये नीचे बॉर्डर वाली साइड है, तो हमने 15.5 इंच कट कर देना है। ये हमने नीचे घेरा कट कर दिया है। यहाँ पेटी की चौड़ाई 13 इंच की है। ये हमारे पास 3 साइडें थी, एक साइड हमारे पास नहीं थी, 2 साइड एक फ्रंट की और एक बैक साइड की अलग करेंगे, बाकी ये कली जो है साइड में बैक साइड में लगा देंगे। हमारी कलियाँ फ्रंट साइड की और बैक साइड की कंप्लीट है। यहाँ पर पेटी के लिए हमने ये रेड कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई हमने 13 इंच रखी है और लंबाई हमारे पास 9 इंच है। यहाँ हमने 5.5 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर का हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया और 1/2 इंच के गैप से हमने यहाँ पर आड़ा निशान लगा दिया। ऊपर हमने आर होल के लिए थोड़ी सी गुलाई कर देनी है। यहाँ पर भी हमने 5 इंच पर निशान लगाना है। सेंटर में भी हमने निशान लगा देना है। इसमें बैक पार्ट हमने अलग कर देना है, फ्रंट पार्ट की हमने हल्की सी गुलाई कर देनी है। इसका गला भी कट कर देना है। गले की चौड़ाई हम 1.5 इंच पर रखेंगे, लंबाई हम 2.5 इंच की रखेंगे। सब गुलाई में हम कट कर देंगे। ऐसे हमने बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। 1.5 इंच चौड़ा गला, 2 इंच लंबा गला बनाएंगे। और नीचे हमने बटन टेक पट्टी लगानी है तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर 2.5 इंच निशान लगाना है। पहले गले को कट कर देंगे। यहाँ हमारा बिग पार्ट भी कटिंग हो गया है। पट्टी में से हमने बाजू बनाने हैं। बाजू के लिए पहले हमने कपड़े को डबल कर देना है। सेंटर से हमने कपड़े को कट कर देना है, कपड़े को रखेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने कपड़े को अलग कर देना है। हमने हल्की सी गुलाई दे देनी है। ये हमारे बाजू कट हो गए हैं। यहाँ हमारे पास ट्राउज़र में भी ऊपर 3 कपड़े थे, हमने ये शर्ट के कपड़े में से जो कलियाँ कट की हैं उसकी ऊपर वाला जो साइड था उसका ये 2 साइडें हमने ऊपर ट्राउज़र में लगानी है। 3 साइड हैं, नीचे भी हमारे पास 4 साइड हैं, सिर्फ ये वाली साइड एक साइड हमारे पास नहीं है तो वो हम यहाँ पर शर्ट की अटैच करेंगे। ये 2 साइड हैं। यहाँ हमने पहले बैक साइड को रेडी करना है तो बैक साइड के लिए हमने यहाँ पर बटन टेक पट्टी के नाप की हमने पट्टी कटिंग कर दी थी, उसी के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। सेंटर में हमने छोटा सा कट लगा देना है। कपड़े को हमने बैक साइड की तरफ मोड़ते हुए ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है। यहाँ बटन के लिए हमने एक साइड पर 1/2 इंच की पट्टी मोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। यहाँ बैक साइड हमारी तैयार साइड को रेडी करना है तो इसके लिए हमने यहाँ पर साइड से जो पट्टी बच गई थी उसी साइड को हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनानी है। यहाँ पर भी हमने छोटा सा कट लगा दिया था और यहाँ पर भी हमने छोटा सा कट लगा दिया है। उन्हीं कट को हमने यहाँ पर सीधा रखते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ हमने एक पट्टी लगा दी है, सेम वाइट सी पट्टी हमने इस तरफ भी लगानी है। यहाँ हमने फ्रंट और बैक साइड के शोल्डर फ्लाई कर देने हैं। यहाँ हमने 1 इंच की आड़ी पट्टी ली है, या आड़ी पट्टी कटिंग की हुई है।
इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया और रखते हुए हमने सिलाई लगानी है, और सिलाई हमने यहाँ पर शर्ट को उल्टा रखा है। यहाँ हमने गुलाई में छोटे छोटे कट लगा देने हैं। यहाँ हमने किनारी पर अंदर की साइड सिलाइयों को आगे करते हुए और अंदर की साइड ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस सिलाई से हमारे अंदर की जो सिलाइयाँ हैं गले की वो पक्की हो जाएंगी। यहाँ हमने इस तरह इस पाइपिंग को सीधा करते जाना है और ऊपर सिलाई लगानी है। गला बन का तैयार हो गया है। यहाँ हमने 2 इंच की पट्टी ली, उल्टी साइड हमने ये पट्टी लगानी है। जितना भी बड़ा हुआ कपड़ा है उसमें हम चुनर लगाएंगे। यहाँ हमने पट्टी को मोड़ते हुए जो हमने सिलाई लगाई थी नीचे उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। हमने पेटी में बाजू अटैच कर देना है, बाजू का सेंटर रखते हुए हमने सिलाई शुरू करनी है। ये 1 इंच की पट्टी रेडी की है, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। मशीन का पाव हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पर सिंगल पाव लगाया है। दूसरी कली को हमने इसी कली के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तरफ पाइपिंग लग गई है, अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम पाइपिंग लगाएंगे। यह हमने कलियाँ बना दी हैं, अब हम पेटी ज्वाइन करेंगे कलियों के साथ। यह हमने पेटी में ये लेस लगानी है। यह हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। एक तरफ हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है, अब हम दूसरी तरफ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैंने 1 इंच की पट्टी ली है, इस पट्टी को हम सीधा लगाएंगे और यहाँ पर शर्ट की उल्टी साइड होगी। इस तरह ये हमने गुलाई में दामन में पट्टी लगानी है। यहाँ पर हमने पट्टी को सीधा कर देना है और एक दफ़ा मोड़ के फिर इसी सिलाई के ऊपर हमें लेकर आना है। फ्रॉक हमने रेडी कर दी है। यहाँ हम एक लटकन बना रहे हैं, इसके लिए हमने त्रिकोण कपड़ा लिया, उस पर किनारी पे लेस लगाई। लेस लगा के ऊपर एक और कपड़ा अटैच करते हुए हमने दोनों तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। एक साइड हमने ओपन छोड़नी है, उसी साइड से हमने लटकन को सीधा कर देना है। यहाँ पर हमने सीधा करते हुए एक साइड हमने जो छोड़ी थी ओपन उस पर हमने सिलाइयाँ लगा देनी है। बीच में हमने मोती अटैच कर देने हैं। ये हमने लटकन बना दी है। अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र स्टिच करना है, तो पहले हमने सेंटर की सिलाइयाँ लगा देनी है दोनों तरफ, और बीच में हमने जोड़ लगाने थे वो भी हमने लगा दिए हैं। आसन में हमने छोटी सी कलियाँ अटैच करनी है, ये भी हमने चारों अटैच कर देनी है। यहाँ पर हमने आसन की सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। यहाँ पर पक्की सिलाई कर देनी है।
नीचे हमने पंचा फोल्ड करना है। तो पंचे के लिए हमने 1 इंच की पट्टी ली है, वो हमने उल्टी साइड रखते हुए सिलाई कर देनी है। फिर हमने सीधा मोड़ते हुए एक दफ़ा मोड़ के दूसरी दफ़ा मोड़ के हमने ऊपर सिलाई लगा देनी है। दोनों ही पोंचे हमने इसी तरह से बनाने हैं। ऊपर हमने नेफा फोल्ड करना है, चारों तरफ हमने नेफा फोल्ड कर देना है और नीचे हमने ट्राउज़र में फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। यह हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है। लटकन जो हमने बनाई थी वो हमने सेंटर में लगा दी है पेटी में लेस के नीचे। ये कंप्लीट फ्रॉक की लुक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।